पूर्व मंत्री श्रीमती जायदा खान जी, हमारे भरतपुर लोकसभा के उम्मीदवार सदना जी और मंच के विराजमान सभी नेतागण और कार्यकर्तागण, आज हमारे बीच में सदना जी वोट मांगने के लिए आई है और कार्यकर्ता मीटिंग के लिए भी आई है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमेशा हमारे कामा विधानसभा क्षेत्र में हमेशा जो है कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला है और हमेशा हमारे यहां से कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त लेके जाता है। एक अलग बात है कि आगे जाके क्या होता है, हम हमेशा कामा से कांग्रेस उम्मीदवार को जिता के भेजते हैं। और रही बात कार्यकर्ता की, हमारे यहाँ कार्यकर्ता तो कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन नेताओं के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नेताओं के बारे में आप जानो, हमारे यहाँ नेता क्या करते हैं उनको आप देखो। और दूसरी बात, आप कई आदमियों सरपंच साहब ने बताई है, ये सच्चाई है कि हम जो है हर चुनाव में जीत तोड़ मेहनत करते हैं और जीतने के बाद लोकसभा उम्मीदवार जीतने के बाद कभी कामा नहीं आता। और एक दो बार तो मुंह दर मुंह बात भी हुई है, प्रताप सिंह जी कामा मीटिंग कर रहे थे, मैंने उनसे कहा था आपके सामने तो बैठे इनमें से एक भी आदमी ने आपको कांग्रेस को डाला हो, आपको सपोर्ट किया हो तो बता दें। और गोविंद डॉक्टर गोविंद सर गोविंद जी की बात है, रतन सिंह जी तो कम जानते हो मैं इनके आदमियों का, लेकिन आपका कुछ पहले खड़ा है, आप बताओ कौन कौन आदमी आपके साथ रहे। और मैंने हम हमारे मंत्री भी हमारे साथ हुई, लेकिन रतन सिंह जी ने आज तक हमारे से ये नहीं पूछा तुम्हारे मुकदमे में क्या हो रहा है, तुम्हारे सेहत पे क्या हालत है। तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक जो बोलते कांग्रेस को वोट देता है, हमारे यहाँ कोई कुर्बानी नहीं है। आप जो है अपने नेताओं के बारे में आप देख लेना। धन्यवाद जय।